जीवन सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के दिन प्रभु हम आपके भवन में पाए जाते हैं, आज के दिन हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु आपने हमसे जो प्रेम किया है पिता, आज हम इस बात को जानने पाते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हम प्रेम किए गए हैं, कि हमारा जो रचयिता है, हमारा जो सृष्टिकर्ता है, जिसने हमें बनाया है, वो सचमुच हमसे प्रेम करता है। हम आज इस बात को जान नहीं पाते हैं, हम इस सच्चाई को जान नहीं पाते हैं, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड कि प्रभु आप जीवित हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम आपके हाथों की रचना है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु वो आपका प्रेम था जो हमें रच रहा था पिता परमेश्वर, और आज भी आपका प्रेम ही है जो हमें संभाले हुए है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी कमी में, हमारी घटी में भी हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे संग और हमारे साथ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे भीतर हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका स्वभाव हमारे अंदर है पिता, कि हम आनंदित हैं, कि हम प्रेम से भरे गए हैं, कि हम प्रभु आपकी शांति में प्रभु पाए जाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी पिता राह में हैं, हम उन्हें यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, वे सुरक्षित पिता ने पाए। और जब यहाँ आपकी आराधना करते हैं, सभी एक मन होकर के बस आपको आराधना करना चाहते हैं। We want to worship you, Master. धन्यवाद। सब बातों का नियंत्रण हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सब बातों का आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। Praise the Lord. एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हम लोग लंबे समय से, लगभग 1.5 साल से परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में से सीख रहे थे, और हमने बहुत कुछ सीखा। और जब हम लोग पिछले कुछ सप्ताहों से सीख रहे थे, हमने बाइबल की कई पुस्तकों के विषय में देखा, जो उसकी पुस्तकें हैं उनका आउटलाइन क्या है, उनका प्रारूप क्या है, हमने इनको समझने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कभी सिखाया था कि जब भी आप बाइबल को पढ़ें, उसको संदर्भ में समझने की कोशिश करें। वो एक बड़े तस्वीर के समान है, जिसको आप अगर बहुत नज़दीक से देखते हैं तो आप उसकी बारीकियों को खो सकते हैं, आप गलत जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो आप सारी बातों को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने बाइबल की पुस्तकों के प्रारूप को देखा, अब हम लोग उनको अलग अलग नहीं लेकिन एक साथ सामने रख कर देखें, क्योंकि हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ही वचन है। यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वह देहधारी होकर हमारे बीच में आया। और अगर हम उसको पढ़ना चाहें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो उसके द्वितीय आगमन के संबंध में जो भविष्यवाणी है, तो उस समय लिखा हुआ है अध्याय 19 और उसके पद 11 से आगे, जो हम लोग उसका नाम पाएंगे 13 में, कि उसका नाम परमेश्वर का वचन, उसका नाम परमेश्वर का वचन, जो स्वयं घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग की सेना के साथ आने वाला है, उसका नाम परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु मसीह, उसका नाम परमेश्वर का वचन। अर्थात ये वचन जो है वो सिर्फ लिखावट नहीं है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो सिर्फ वाक्य नहीं है, वो सिर्फ संदेश नहीं है, लेकिन वो वचन वास्तव में एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं यीशु मसीह है। तो इसका मतलब है कि जो लिखित वचन है उसको हम लोग सही ढंग से देखें तो हम लोगों को यीशु मसीह नजर आएगा,
और अगर हम लोग उसको सही ढंग से नहीं देख पाते हैं तो हम लोग कुछ और भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसके पूरे आउटलाइन को संभाल करके देखें, सही तरीके से देखें, हम लोगों को यीशु मसीह नज़र आएगा। हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सारांश के रूप में। जब हम लोग उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उनके साथ में उसकी संगति थी, पाप करने की वजह से संगति टूट गई। और उसके बाद से परमेश्वर इस बात का उपाय ढूंढने लगा कि कैसे मैं मनुष्य के साथ फिर से संगति करूं। उसने उस बीच कई लोगों को चुना, जिसमें नूह का नाम आता है, जिसमें अब्राहम का नाम आता है। और अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधी और उसने कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और उसके बाद अब्राहम के शारीरिक वंशज में से इसहाक, याकूब और उसके संतानों को उसने अपने पास में बुलाया और उनको चुना और उनका वृतांत लिखा हुआ है। और फिर वे गुलामी में चले जाते हैं, वहां से परमेश्वर एक छुड़ाने वाले मूसा को भेजता है और वे उसकी अगुवाई में निकलकर सिनाई के पहाड़ पर आते हैं, जहां उनके साथ एक वाचा बांधी जाती है। ये अब्राहम के वंशज हैं जो प्रतिज्ञा के अनुसार है। अब उनके साथ एक वाचा बांधी जाती है जिसको अभी हम लोग पुरानी वाचा कहते हैं। वाचा बांधी गई और उस वाचा के तहत उनको एक व्यवस्था दी गई। परमेश्वर ने उनको मानने के लिए कुछ दिया कि तुम इस रीति से मेरे पास आ सकते हो। जो व्यवस्था दी गई उसमें कुछ नैतिक नियम थे कि तुम उन नियमों के आधार पर जान सकते हो कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, और तुम पापों से बचो और भलाई के कामों को करो। उस व्यवस्था में कुछ आराधना के नियम थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेरेमोनियल लो, जिसमें सेरेमनी, जैसे कि मान लिया पाप किए तो उसके लिए क्या प्रावधान है, पर मानने का क्या प्रावधान है, इत्यादि बातें। और जो तीसरा खंड था उसमें सामाजिक नियम थे, जमीन जायदाद से संबंधित, कानून से संबंधित नियम थे, व्यवस्था। परमेश्वर ने वो व्यवस्था उनको दे दी और उसने कहा कि तुम इसके मुताबिक मेरे पास आ सकते हो और इसके मुताबिक तुम मुझे यदि प्रसन्न करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, यदि तुम इसके खिलाफ में जाओगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और उसके बाद से इसराइलियों का इतिहास वहां पर मिलेगा। इसराइली मिस्र से निकलकर आए, कनान के देश में बस गए और कनान के देश में उनकी अगुवाई करने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे लोग आए। वहां पर याजकों का प्रावधान किया गया, वहां पर राजाओं का प्रावधान किया गया, वहां पर भविष्यवक्ताओं का प्रावधान किया गया और वहां पर बलिदानों का भी प्रावधान किया गया, ताकि ये सारे चीजें मिल करके उनको सुरक्षित रखें यीशु मसीह के आने तक। और उस बीच में उनके इतिहास को बड़े गौर से नोट किया गया कि क्या हुआ। कई राजा आए और मरते चले गए, उस बीच लोगों ने क्या किया, राजाओं ने क्या किया, सब कुछ वहां पर नोट किया गया। और इसके बीच में वंशावलियों को नोट करते चले गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि मसीह कब आएगा, किसके वंश से आ जाएगा। वंशावलियों को नोट करते चले गए और इस बीच में यही देखा गया कि लोग उस व्यवस्था की बातों को नहीं मान पा रहे। बाद में जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ता जब आए उसमें ये बताया गया कि जो इज़राइल था, जो परमेश्वर के लोग थे, उनका आत्मिक पक्ष किस प्रकार से था। जो इतिहास की पुस्तक, जैसे राजाओं की पुस्तकें, शमूएल की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, जो दो दो पुस्तकें हैं, वे उनके शारीरिक इतिहास को दिखाती हैं। लेकिन जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं यशायाह से लेकर आगे, वो उनके आत्मिक पक्ष को दिखाती है। शारीरिक पक्ष भी रखा गया, आत्मिक पक्ष भी रखा गया। और जब भविष्यवक्ता बोलने लगे, वे बताने लगे कि तुम्हारी आत्मिक स्थिति बहुत खराब है, अगर व्यवस्था के मुताबिक चेक किया जाए तो तुम लोग कोई भी योग्य नहीं हो, जिसका नतीजा हुआ कि वे सब गुलामी में चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उनको वापस बुलाने की प्रतिज्ञा की। और इस बीच में भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने लगे कि ये जो पुरानी वाचा है, इसके तहत तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वाचा है उसके वचन पत्थर पर लिखे गए हैं, इसलिए परमेश्वर एक नई वाचा देगा। और उस नई वाचा को बांधने वाले व्यक्ति के विषय में भी उन्होंने भविष्यवाणी करना आरंभ किया, जिसका नाम है यीशु। उन्होंने मसीह के विषय में बताया कि मसीह जब आएगा तो क्या करेगा, उसकी सेवकाई किस प्रकार से होगी, उसका जन्म किस प्रकार से होगा, उसकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, उसके पुनरुत्थान के विषय और उसके बाद होने वाली महिमा के विषय उन्होंने कहा। और इंतजार करते करते सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया और अंत में मलाकी की पुस्तक आती है, जो मसीह के इंतजार करने के साथ में समाप्त हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद, इन सब के लगभग 400 साल के बाद यीशु मसीह आखिरकार इस धरती पर आते हैं। और तब यीशु मसीह का जन्म होता है, जिस मसीहा का इंतजार किया जा रहा था, जो कि एक भविष्यवक्ता के रूप में था, जो कि एक राजा के रूप में था,
जो कि एक याजक के रूप में था और जो कि एक बलिदान के रूप में था, उस व्यक्ति का जन्म होता है नए नियम में। हम प्रवेश करते हैं जो बाइबल का दूसरा खंड है नया नियम, वहां पर उसका वर्णन है। क्योंकि ये देख लिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर कुछ समय तक वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो कुछ समय के बाद वो पापों में गिर जाता है, पापों में फंस जाता है और परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी धर्मी बना नहीं रह पाता। इसलिए परमेश्वर ने उस उपाय को आखिरकार प्रकट कर दिया जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह आए और उसके जीवन को नोट किया गया, उसके जन्म से लेकर उसके पुनरुत्थान तक और स्वर्ग में उठाए जाने तक। और ये बताया कि किस रीति से उसका जन्म हुआ, उसने किस रीति से काम किया, उसने किस रीति से प्रचार किया, उसने किस रीति से सेवकाई की, किस रीति से उसकी मृत्यु हुई, कैसे उसको गाड़ा गया, उसका पुनरुत्थान हुआ और वह स्वर्ग में उठा लिया गया। इन बातों को लिखने के लिए चार पुस्तकों को हम लोग, चार लेखकों को हम पाते हैं, मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना, जिन्होंने उनको लिखा है। और इस बीच में यह भी बताया गया कि यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी सेवकाएं पूरी नहीं की, लेकिन उसने एक झुंड को भी अपने पीछे तैयार किया और वो झुंड यीशु मसीह के जाने के बाद एक और व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और आखिरकार पवित्र आत्मा उंडेला जाता है उस झुंड पर और वह झुंड बड़ा होता जाता है और उसके वृत्तांत को लिखा गया प्रेरितों के काम की पुस्तक में। और जब तक प्रेरित जीवित रहे, जब तक लेखक जीवित रहे, तब तक उनके इतिहास को लिखा गया। जब लेखक नहीं रहे, उनका इतिहास हमारे बीच में नहीं। दूसरे रूप में हम लोग कलीसिया के इतिहास में उसको पढ़ते हैं, बाकी लोगों के इतिहास को। लेकिन हम लोग फिर पाते हैं पत्रियों को जिनको प्रेरितों ने लिखा। और जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री से आरंभ करके यहूदा की पत्री तक, तो हम लोग उसके सारांश को इस रूप में कह सकते हैं कि जो पत्रियां हैं वे यीशु मसीह का प्रकाशन है। पत्रियां मूल रूप में ये बताती हैं कि यीशु मसीह के आने से हम लोगों को क्या लाभ मिला, उनके आने से हमारे लिए क्या फायदा है, परमेश्वर का की योजना क्या है, परमेश्वर का प्रावधान क्या है, वो हम लोगों को उन पत्रियों में बताया गया। यीशु मसीह के आने से एक प्रकार का भेद हमारे लिए खोल दिया गया जिसको हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एंजॉय कर सकते हैं, वो क्या है उसको प्रकट किया गया। और उन्हीं पत्रियों में साथ साथ में ये निर्देश भी दिया गया कि जब ये आशीषें तुम्हें मसीह के द्वारा मिली हैं तो तुम्हारा चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए। इन्हीं पत्रियों में ये भी बताया गया कि आने वाले समय में झूठे शिक्षक भी होंगे, भरमाने वाले लोग भी होंगे, उनसे तुम सावधान रहना, तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है। उन्हीं पत्रियों में यह भी बताया गया कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। और ऐसा करते करते पत्रियों की बातें समाप्त हो गई। और इसके बाद सबसे अंतिम पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिसमें इस बात को बताया गया कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसके ठीक आने से पहले इस धरती पर क्या क्या घटनाएं घटेंगी और उसके आने के बाद क्या क्या होगा, एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी। सो बाइबल की सारी पुस्तकें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सब कुछ यीशु मसीह की तरफ केंद्रित है। जब पहली पुस्तक है वो यीशु की तरफ इशारा करती है कि हमने पाप किया, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, हमें बलिदान की जरूरत है। इशारा करती है वो पुस्तक कि एक वाचा की जरूरत है जिसके द्वारा मनुष्य जाति फिर से परमेश्वर के पास आ सके और उसको हम यीशु मसीह में पूरा होते हुए देखते हैं। व्यवस्था आई और व्यवस्था को पालन करने वाले लोग या जिस समुदाय को व्यवस्था दी गई थी उनके इतिहास को लिखा गया, ये दिखाने के लिए कि व्यवस्था के मुताबिक कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति व्यवस्था को तोड़ता है व्यवस्था उसे दोषी ठहराती है। इसलिए कोई दूसरा उपाय नहीं है कि यीशु मसीह को छोड़ के कोई दूसरे उपाय से आ जाए, कोई किसी विधि विधान को फॉलो करके आ जाए, किसी नैतिक जीवन को व्यतीत करके हम आ जाए, ऐसा संभव नहीं। इस बात को दिखाया गया, प्रैक्टिकली दिखाया गया इसराइलों के इतिहास के द्वारा। फिर यीशु मसीह नामक व्यक्ति आया, उसने क्या किया वो सब कुछ लिखा है, उसके आने से क्या मिला वो लिखा है, वो फिर दोबारा आएगा तब क्या होगा ये लिखा है। तो जब हम पूरी पुस्तक को देखते हैं परमेश्वर का वचन दिखाई देता है हमें यीशु मसीह के रूप में। तो आप हमेशा यीशु मसीह को अपनी नज़र में रखें जब आप बाइबल की पुस्तकों का अध्ययन करें और उसके गहराई में जाकर के उसको समझने की कोशिश करें और आप उसके डिटेल में, उसके पूरे डिटेल को आप अपने जीवन के लिए लाभ उठा सकते हैं। आज हम लोग एक दूसरे विषय पर आगे जाएंगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि
इतने दिन तक जबकि आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, तो आप इस बात के लिए तैयार हैं। हम लोग आएंगे लूका रचित सुसमाचार। आज से हम लोग सेवकाई के विषय में कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप लोग पिछले साल के फरवरी महीने से आ रहे हैं और परमेश्वर के बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। यदि आप नहीं भी आए थे तो आप YouTube में जाकर के जरूर देख लीजिए। आपने परमेश्वर के वचन को सीखा, बहुत कुछ सीखा, और उस बीच में आपको बहुत कुछ बताया गया, आपके लिए बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब आपसे परमेश्वर ये भी उम्मीद करेगा कि आप परमेश्वर के काम आ सके, परमेश्वर के काम आ सके। किसी भी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, जैसे हम लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो रहे हैं वो एक दिन अपने पांव पर खड़े हो सके और अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले सके, क्योंकि उसके माता पिता जिम्मेदारी उठा रहे थे, उनके माता पिता उनके लिए रुपये पैसे कमा रहे थे, जरूरत की चीज़ों का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन उम्मीद की जाती है कि अब वे बड़े हो जाएं, अब वे उस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लें। उसी प्रकार से हम लोग जब यहाँ पर वचन की शिक्षा दे रहे हैं तो हम लोग भी एक उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं। उद्देश्य ये भी है कि आप अपने पाँव पर खड़े हो जाए, आप सब कुछ जानने लगे, परमेश्वर से सब कुछ आपका डील होना शुरू हो जाए। दूसरा, आप परमेश्वर के काम आने के लिए तैयार हो जाए। और इस बात के लिए मैं आपको लूका रचित सुसमाचार में लेकर आऊंगा अध्याय 15 और उसके पद 11 से आगे आखिरी तक, पद 32 तक। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा तो यहाँ पर आप तीन व्यक्तियों का नाम पाएंगे, नाम तो नहीं है, तीन व्यक्तियों का जिक्र आप पाएंगे। उसमें से एक व्यक्ति है पिता और दो है पुत्र, और आप लोग इसको उड़ाव पुत्र के नाम से जानते हैं, उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के रूप में। उड़ाव पुत्र का जो दृष्टांत है, इसमें जो छोटा बेटा है उसके विषय में लिखा है, पद 11 से पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हुआ मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। तो जो छोटा पुत्र था उसने पिता की संपत्ति मांग लिया, पिता ने उसको दे दिया और उस संपत्ति को लेकर वो चला गया और उसने उस संपत्ति को उड़ा लिया। आप सारी कहानी जानते हैं। फिर आखिरकार उसके होश ठिकाने आए तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने पिता के पास लौट जाता हूँ। अब पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पिता इसी बात की प्रतीक्षा में था कि मेरा पुत्र जो यहाँ से चला गया है वो कब लौट कर आएगा, और उसकी बाट जो होता था वो पुत्र के पीछे नहीं गया, लेकिन जहाँ पर वो था वहीं से वो इंतजार कर रहा था कि उसका पुत्र लौट करके आए। और जब उसका पुत्र लौट करके आया तो वचन कहता है कि उसने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, और पद 20 हम पढ़ते हैं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो उसका पिता इस बात के इंतजार में रहता था कि शायद किसी दिन मेरा बेटा वापस आ जाए, और वो इंतजार में राहें तकता रहता था ना, उसके बाल भी पक चले थे, उसकी झुर्रियां पड़ गई थी इंतजार करते करते, और हर दिन वो राह तकता था कि कब मेरा बेटा वापस आए। और उस दिन उसने देखा बैठे बैठे कि दूर से कोई चला आता है, उसका रंग रूप तो थोड़ा बड़ा हो गया है पहले की तुलना में, है ना, उसका शरीर भी थोड़ा बदल गया है, लेकिन उसने पहचान लिया कि वो मेरा ही बेटा है। और वो दूर से ही देखा और दौड़कर उसके पास गया, उसने उसको गले लगाया, उसको खूब चूमा और उसको घर में लेकर आया और वहाँ पर पार्टी दी कि मेरा बेटा वापस आ गया। उसने कहा कि मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है, आओ हम लोग उत्सव मनाएं। और उसके लिए उसने एक पार्टी दी, दावत दी और लोग उसमें शामिल हुए, ऐसा हम लोग पाते हैं। लेकिन इसके साथ में ये तो छोटा बेटा था, एक और बेटा था जो उससे बड़ा था, बड़ा भाई। ये जो बड़े भाई के विषय में जो कुछ लिखा हुआ है वो मुझको आकर्षित करता है, और जो बड़े भाई के विषय में लिखा हुआ है वो नकारात्मक लिखा हुआ है। छोटे भाई के विषय में तो एक नकारात्मक है फिर एक सकारात्मक हो जाता है, लेकिन जो बड़े भाई के विषय में लिखा है, जो घर छोड़कर नहीं गया, जिसने अपनी संपत्ति नहीं उड़ाई, जो पिता के पास में रहा, उसके विषय में जब भी लिखा है तो नकारात्मक ही लिखा है। बड़ा बेटा घर वापस आया, उसको पता नहीं था कि मेरा छोटा भाई वापस आ गया है,
और फिर उसने देखा कि यहाँ उत्सव का सा माहौल है। उसने अपने नौकर को पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पिता ने जब दावत दी तो अपने बड़े बेटे का इंतजार नहीं किया कि उसको जरा आने देते हैं, सलाह मशवरा कर लेते हैं, तब हम लोग चार दिन के बाद पार्टी देंगे। जब आ गया तो पार्टी दे दी, बड़ा बेटा काम पर गया हुआ था। जब वो आया तो उसने देखा कि बड़ा उत्सव का माहौल है, नौकर से पूछा क्या हो रहा है, उसने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई वापस आ गया है, तेरे पिता ने यहाँ पार्टी दे दी। और बड़ा नाराज हो गया और उसने पिता से कुछ शिकायत करके कहा, और उसने इस प्रकार से कहा, अगर हम लोग पद 28 पढ़ेंगे तो लिखता है, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, परंतु जब यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तू उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। अपने छोटे भाई को देखकर वो जलन से भर गया और अपने पिता पर क्रोधित हो गया कि मैं इतने दिनों तक पिता के साथ रहा लेकिन मेरा पिता ने मेरे लिए एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, और ये मेरा नकारा भाई जिसने सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा ली, वो जब वापस आया तो उसके लिए पला वो बछड़ा कटवाया। पिता ने जो उसको जवाब दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जवाब इस प्रकार से है, पद 31, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, लेकिन तेरा ही है, तो सर्वदा मेरे साथ है पुत्र, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें बकरी का बच्चा नहीं दिया, लेकिन यह सब तो तेरा ही है, तुमको जब जरूरत है तुम ले जाती। मसीहों की स्थिति कई बार इसी प्रकार से होती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर को छोड़कर भटक जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, पापों में चले जाते हैं, जहां से हम उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोड़कर नहीं गए, परमेश्वर के साथ किसी रूप में बने रहे, उसके साथ में चलते रहे, करते रहे, जो भक्तिपूर्ण जीवन के लिए उनको समझ में आता था उन्होंने किया, लेकिन शिकायत रहती है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं दिया, मेरे लिए कुछ क्या किया, मतलब जो लौट कर आया उसके लिए तो ये किया। यीशु मसीह ने भी कह दिया कि जो 99 भेड़े हैं जो नहीं खोई थी उनके विषय में उतना आनंद नहीं होता है जितना खोई हुई को वापस लाए तो होता है। तो भाई मेरे लिए क्या हुआ, शिकायत रह जाती और लोग नहीं जान पाते हैं। इसी बड़े भाई की तरह कि जो कुछ पिता का है वह हमारा ही है। हालेलुया। जो कुछ पिता का है, उस पिता ने क्या कहा, जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है। लेकिन छोटे भाई की जो खासियत है वो ये है कि वो संपत्ति का बड़ा हिसाब किताब करना जानता है कि पिता की संपत्ति है उसमें कोई हिस्सा तो मेरा है, तो जो हिस्सा मेरा है उसको लेकर उड़ा ली। लेकिन जो बड़ा भाई है वो इतना सीधा है कि उसको पता ही नहीं है कि पिता की संपत्ति का कोई भाग मेरा भी है, और वो सोचता है कि जब पिता उसको देगा बकरी का बच्चा तब जाके होगा। लेकिन पिता का कहना ये है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। मसीह की स्थिति इसी प्रकार से, वे लोग परमेश्वर के पास में आते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं दे रहा है, और वे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और सोचते हैं परमेश्वर नहीं सुन रहा है, ये नहीं है, बहुत सारी शिकायत परमेश्वर से हो जाती है कि हम परमेश्वर के साथ इतना तो चल रहे हैं सब कुछ, फिर भी तो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण ये है कि वे अपनी संपत्ति को नहीं जानते, वो क्या है मेरे हक में, क्या है वे नहीं जानते, मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है वे नहीं जानते। अब पिता का कहना है मेरा जो कुछ है वह सब तेरा ही है। सो हमने इसी बात की जानकारी देने के लिए इतना समय लगा दिया ताकि आप बड़े भाई की तरह घर में ये ना कह सकें कि मेरे लिए तो कभी बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। जो कुछ पिता का है वो आपका ही है, और इसीलिए हमने इतना समय लिया आपको ये बताने के लिए कि उसने आपको धर्मी ठहराया, उसने आपको पवित्र किया, उसने आपको अपने संतान बना दिया, और उसने आपको यीशु मसीह का संगी वारिस बना दिया, और उसने कहा कि क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के और मसीह परमेश्वर का है। उसने सब कुछ हमारा और आपका कर दिया। लेकिन इसी बात से लोग अनजान रहते हैं कि हमारा भी कुछ है, वे लोग सोचते नहीं नहीं परमेश्वर का होगा,
मेरे पास नहीं है। क्यों क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि शारीरिक आंखों से देखते हैं, और जब शारीरिक आंखों से देखते हैं तो उनको दिखाई नहीं पड़ता, और जब दिखाई नहीं पड़ता वे शरीर में ही रह जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वो आत्मा में है, और जब हम आत्मा में पहुंच बनाते हैं तो आत्मा से हम शरीर के लिए ला सकते हैं। अगर हम आत्मा में पहुंच नहीं बनाएंगे तो हम वो बातें वहीं रह जाएंगे, शरीर में हम अभाव को ही देखते रह जाएंगे। और इसी बात को सिखाने के लिए हम लोगों ने समय लिया कि आपको प्रार्थना के विषय में सिखाएं कि आप किस रीति से प्रार्थना करें। जो प्रार्थना हमने यहाँ पर आपको सिखाया था, निवास स्थान की प्रार्थना, मिलाप वाले तंबू की प्रार्थना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, और उसमें हम स्टेप वाइज हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और प्रार्थना की गहराई में अंदर चले जाते हैं, और हम परमेश्वर की सहभागिता करते हैं। और फिर हम लोगों ने एक और चीज सिखाया, और वो पवित्र आत्मा के विषय में था, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ हमें आत्मा में दिया है वहां से चीजों को शरीर में लाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम लोग कहते हैं विश्वास करो तो हो जाएगा, लेकिन दरअसल ये विश्वास क्या है? ये शरीर से आत्मा में जाने का मार्ग ही है। इस विश्वास के द्वारा हम जा सकते हैं, विश्वास को इस्तेमाल करके हम आत्मा की बातों को शरीर में ला सकते हैं। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करता है, और इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको किस प्रकार वचन पर ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार यीशु मसीह और उसकी बातों पर ध्यान करना चाहिए, और जो कुछ आपको सिखाया गया उस पर ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, ताकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो आत्मा में ही न रह जाए, लेकिन आप उसको शरीर में लाकर इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जब आप शारीरिक आंखों से देखेंगे आप सीमित देखेंगे, और आप बड़े भाई की तरह शिकायत कर सकते हैं कि कहाँ है, कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलेंगे, आप वचन से देखेंगे, तब आप देख पाएंगे कि वास्तव में कुछ है, फिर रह जाता है वहां से आप लेंगे कैसे, ले सकते हैं जब आप शरीर से आत्मा में जाना सीख जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा, ध्यान करने के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से फिर वहां से ला सकते हैं। तो इस बात को सिखाने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबा समय लिया, लेकिन इस बड़े भाई के विषय में एक और बात है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, और वो ये है, ये जो बड़ा भाई है उसने जब अपने छोटे भाई को वापस आया हुआ देखा, और उसने ये देखा कि पिता उसके लिए भोज दे रहा है, तो वो क्रोधित हो गया, और वो कहने लगा जिसने अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी उसके लिए ऐसा, मतलब वो कभी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई वापस आ जाए, वो कभी नहीं चाहता था, वो सोचता था कि उसने संपत्ति लेकर उड़ा दी, उधर ही रह जाए, उधर ही मर जाए, उधर ही खप जाए, मर गया हमारे लिए, दोबारा उसका मुंह नहीं देखना चाहते। और इसलिए जब वो वापस आ गया तो क्रोधित हो गया, वो अपने खोए हुए भाई के लिए कुछ भी लगाव नहीं रखता था, जबकि उसके पिता के हृदय में क्या था, उसके पिता का हृदय इस बात का इंतजार करता था कि कब मेरा छोटा बेटा वापस आए। वो बड़ा भाई जरूर था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हो पाया कि पिता के बोझ को अपने ऊपर ले सके, पिता के हृदय में जो भावनाएं हैं उसको समझ सके, वो इतना बड़ा कभी नहीं हो पाया। और बहुत सारे मसीही भी इसी प्रकार रह जाते हैं, वे सिर्फ अपने जीवन तक ही सीमित रह जाते हैं, और बहुत सारे विषय हैं जिनके विषय में पिता बोझ रखता है, उस बोझ को कभी अपने ऊपर में नहीं ले पाते, सिर्फ अपने लिए सोच पाते हैं। लेकिन जब मैं इस बात को यहाँ पर पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ कि मुझे उस बड़े भाई की तरह नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से मुझे उस छोटे भाई की तरह जाकर संपत्ति नहीं उड़ा देनी चाहिए, अगर ऐसा है तो कोई लौट आए ना, तो मुझे छोटे भाई की तरह बर्बादी की तरफ जाना चाहिए, ना तो मुझे बड़े भाई की तरह रहना चाहिए, लेकिन मुझे यीशु मसीह के समान होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने एग्जैक्टली वही किया जो पिता के हृदय में था। इतने दिनों तक हम लोगों ने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, वो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। हमने आपको ये कहा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमने आपसे कहा कि परमेश्वर ने आपके लिए ये दिया है, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने आपसे कहा, लेकिन मैं आपको उससे बेहतर, आपको दूसरे स्थान पर, एक दूसरे पायदान पर चढ़ाना चाहता हूँ, और वो ये है कि ठीक है परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, ठीक है परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ दिया, ठीक है परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ आपके लिए उपलब्ध करा दिया, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन इतना जानिए कि परमेश्वर किसी और से भी प्रेम करता है। हालेलुया।
परमेश्वर सिर्फ आपसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर किसी और से भी प्रेम करता है। हो सकता है आप बड़े भाई के समान हो जिसको पिता के घर में रहने का मौका मिला और उसके साथ में रहते हुए उसकी भरपूरियों को उठाने का मौका भी मिला और उसके प्रेम को अनुभव करने का मौका भी मिला, लेकिन आप उसी में सीमित मत रह जाइए। पिता के हृदय में अपने खोए हुए बच्चों के लिए कुछ बोझ है, पिता के पास उनका उनके लिए बोझ है जो अभाव में गुजर रहे हैं, और पिता चाहता है कि हम इतने बड़े हो जाएं कि हम उनके विषय में सोच सकें। हम बड़े हो जाएं जैसे एक परिवार में होता है, जब एक बच्चा छोटा रहता है, एक पिता का बेटा छोटा रहता है, तब तक पिता उसको कुछ खास काम नहीं करवाता। पिता जानता है कि मुझे अपने परिवार का बोझ है और मुझे उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, मुझे उसके लिए परिश्रम करनी चाहिए, इसके लिए रुपए पैसे चाहिए, मुझे इंतजाम करना चाहिए, इसके लिए घर चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मुझे उसका इंतजाम करना है, मुझे अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और उसके लिए वो अपने सारे जीवन को लगा देता है। और इस बीच में जब उसका बेटा बड़ा होने लगता है तो परिवार के सदस्य उसको कहते हैं कि तुम फलाना काम कर दो, वो चीज़ उठा के ला दो, ये चीज़ कर दो, जितना जितना वो करने जानता है उसके हिसाब से उसको करवाया जाता है ताकि धीरे धीरे उसको करने की आदत हो। ये नहीं कि तुम बैठे रहो, बेटा हम लोग आएंगे खाने के टाइम में, तुम सिर्फ मुंह खोलना, चम्मच से हम लोग डाल देंगे जिंदगी भर ऐसे नहीं, हम लोग उसको कुछ करवाते हैं ताकि उसको करने की आदत रहे। और एक दिन उसको हम लोग उम्मीद करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, एक खास उम्र का हो जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब वो परिवार की जिम्मेदारी लें। जो जमीन जायदाद और जो संपत्ति पिता की थी, पिता उम्मीद करता है कि बेटा उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले। और अगर वो बड़ा भाई है तो पिता उसकी उम्मीद करेगा कि वो अपने छोटे भाइयों की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर में ले। जब वो बड़ा भाई बड़ा होने लगेगा तो उम्मीद की जाएगी कि वो अपने छोटे भाई को स्कूल लेकर जाएगा, अपने छोटे भाई के लिए बहुत कुछ करेगा। अगर आप घर में बड़े हैं तो आप इस बात को समझते होंगे, ना बड़े भाई है बड़ी बहन है तो आप समझते होंगे कि किस प्रकार से छोटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ती है, छोटी उम्र में ही बड़े हो जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप छोटे भाई है छोटी बहन है तब आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन वास्तव में परिवार के साथ ऐसे ही है। और हम लोगों से भी परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम जब परमेश्वर के परिवार में हैं तो हम लोग बड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे सदस्य हैं जो छोटे। अब यहाँ पे उम्र की बात नहीं, उम्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप कितने साल के हैं उसके हिसाब से, आप की जो उन्नति है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब परमेश्वर के परिवार में आए, आपने जब नया जन्म पाया उसके बाद आपको परिवार में एक स्थान मिला। समय के साथ उन्नति होनी चाहिए, कई बार लोगों की उन्नति नहीं हो पाती है, लेकिन समय के साथ आपकी उन्नति की गई क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन दिया गया, आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले गए, बड़े होते चले गए, आप कहीं पर पहुंच गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि कई लोग वहां पर नहीं है, कई लोग नीचे हैं, कई लोग अभी छोटे हैं। तो जो भी ऐसे हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं वो आपसे उम्र में छोटे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मिक उन्नति में हो सकता है कि वे लोग आपसे छोटे हो। तो आप ये मत सोचे कि ओ तुम लोग छोटे ही रहो, मेरा नाम ही बड़ा हो जाए। नहीं, पिता का बोझ ये है कि सब बड़े हो जाए, हम लोग उनको उस स्थान पर ले आए जहां पर हम हैं, और इस बात को पिता चाहता है कि हम करें, पिता की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले। और हम लोग अगर इस जिम्मेदारी को समझना चाहते हैं तो हम लोगों को परमेश्वर के उस वचन पर जाना पड़ेगा जिसके आधार पर ये सारी बातें होती हैं। जो सेवकाई है, मोटे तौर पर सेवकाई को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना, और इसी जिम्मेदारी के तहत जो काम है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। दो भाग में बांटने में जो पहला भाग है वो उन लोगों के लिए होगा जो इस संसार में खोए हुए हैं, जो पापों में पड़े हुए हैं, जिनको नया जन्म पाने की जरूरत है, जिनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, वे लोग उनके बीच में की जाने वाली सेवकाई, अर्थात वे लोग जो बाहर वाले हैं उनके बीच में की जाने वाली सेवकाई। और जो दूसरा हिस्सा है सेवकाई का, दूसरा भाग है, उसमें हम उन लोगों के बीच में सेवकाई करते हैं जो अंदर वाले हैं, जो भीतर आ चुके हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो उसके संतान हो चुके हैं, जो अंदर आ चुके हैं, हम लोग उनके बीच में सेवकाई करते हैं। तो सेवकाई दो भाग में बांटी जा सकती है।
अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो पांच प्रकार के सेवकों का वर्णन हम लोगों को मिलेगा इफिसियों की पत्री में अध्याय 4 और उसके पद 11। तो वहां पर हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और उसके पद 11। तो लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो उसने पांच प्रकार के लोगों को नियुक्त किया। सेवकाई मोटे तौर पर पांच भागों में हम बांट सकते हैं। उसमें से जो दो हैं वो बाहर वालों के लिए मुख्य रूप से काम करेंगे, जिसमें से एक है सुसमाचार सुनाने वाले और प्रेरित। वो बाहर वालों की तरफ रुख करेंगे और उनकी जो मुख्य प्राथमिकता होगी वो होगी बाहर वालों को अंदर ले आना, क्योंकि सुसमाचार सुनाने जाएंगे, उन लोगों को सुनाएंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते और उनको अंदर ले आएंगे। प्रेरित और सुसमाचार सुनाने वालों की जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि पिता के मन में बोझ है कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापों में मर रहे हैं, बिना यीशु मसीह के मर रहे हैं। वे बिना यीशु मसीह के मर जाएंगे तो उससे दूर हो जाएंगे, उनको वापस लाना चाहिए। तो किसी को तो इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेना चाहिए। तो जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं और जो प्रेरित हैं, उनकी मुख्य जिम्मेदारी है वे बाहर वालों के बीच में काम करें, उनको अंदर लेकर आए। और जो बाकी सेवक हैं जिनमें भविष्यवक्ता हैं, उपदेशक हैं और रखवाले, अर्थात भविष्यवक्ता और टीचर्स, शिक्षक और पास्टर्स, इनकी जो मुख्य सेवकाई है वो कलीसिया के अंदर के लोगों के लिए, जो अंदर आ चुके हैं, जो सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। तो अब ग्रहण कर चुके हैं तो अब उनके लिए क्या बाकी रह गया? अब उनको उन्नति दिलाना बाकी रह गया, उस स्थान पर ले जाना बाकी रह गया जहां पर वे तेजस्वी कहलाए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में इस बात को दिया कि वो कलीसिया को तेजस्वी बनाकर अपने पास में खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। तो जो लोग अंदर आ चुके हैं वे कलीसिया के सदस्य हैं, और जो तीन प्रकार के लोग हैं, भविष्यवक्ता और उपदेशक और रखवाले, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अंदर वालों के बीच में इस प्रकार से सेवकाई करें कि इनको तेजस्वी बनाए, इस दिशा में काम करें। और ये भी पिता का बोझ है, क्योंकि अंदर वाले जो हैं वे अंदर आने के बावजूद वहाँ की बहुत सारी आशीष की बातों को नहीं जानते, और नहीं जानने के वजह से वे सांसारिक लोगों के समान ही जीवन व्यतीत करते हैं, और उनके और संसार के लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो उस अंतर को कायम करने के लिए इन तीन प्रकार के लोगों की सेवकाई, तो उनके बीच में काम करेंगे। ये पिता का बोझ है, ये पिता का विजन है, उसका दर्शन है कि इस प्रकार की स्थिति आए। तो जो भी इस प्रकार के काम को करेंगे अंदर वालों के बीच में, वे इन तीन कैटेगरी में हम लोग उनको डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हर एक विश्वासी के लिए ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सुसमाचार के काम को किसी न किसी रूप में करे। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो मेरा काम तो अंदर वाले का है, बाहर वाला काम मेरा नहीं है, मुझे सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी नहीं। अंदर वालों के बीच में काम करते हुए भी वो बाहर वालों को अंदर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बाहर वालों को अंदर लाना और अंदर वालों को उन्नति दिलाना, इस प्रकार से दो काम है। ये पिता के हृदय का बोझ है और इसको हमें अपने कंधे पर लेना चाहिए। जब हम बड़े हो रहे हैं हमें इसको अपने कंधे पर लेना चाहिए ताकि हम इसको कर सकें। आने वाले समय में मैं इसके फुल डिटेल में जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सेवकाई कर सकते हैं और उसके साथ में क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं, मैं उसके डिटेल में जाऊँगा। आज मैं सिर्फ इसका परिचय दे रहा हूँ। लेकिन इतना स्मरण रखिए कि जब भी आप सेवकाई करते हैं तो सेवकाई का एक आधार है, दोनों प्रकार की सेवकाई, बाहर वाले और अंदर वाले, दोनों के बीच में जो सेवा की जा रही है, इसके दोनों के लिए एक आधार है, कॉमन आधार है, और वो आधार है प्रेम। प्रेम सब प्रकार की सेवकाई का आधार है। नए नियम में जितनी भी प्रकार की सेवकाई हम करते हैं उन सारी सेवकाई का आधार प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो हम सेवकाई नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो सेवकाई कर रहे हैं वो यीशु मसीह केंद्रित है, मतलब उसके बीच में यीशु मसीह है और यीशु मसीह के इर्द गिर्द ही हम सारी सेवकाई करते हैं। हम बाहर वालों को यीशु मसीह के पास लाते हैं, अंदर वालों को हम यीशु मसीह के द्वारा लाए गए लाभ को बताते हैं। तो सारी सेवकाई यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूम रही है, यीशु मसीह की तरफ केंद्रित है सारी सेवकाई।
और जो यीशु मसीह है उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और उसके 16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह का इस संसार में आना ही प्रेम के कारण, क्यों परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया? क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया। वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात उसके प्रेम ने उसको पुत्र देने के लिए विवश किया कि उसका पुत्र आए और यहाँ पर बलिदान हो जाए ताकि हम उसके बलिदान के द्वारा बच जाए, उसके बलिदान के द्वारा हम आशीष पाए, उसके बलिदान के द्वारा हम छुटकारा पाए। तो इन सबके जड़ में अगर कोई चीज है तो वो प्रेम है। तो अगर हम इस प्रेम को नहीं सीखते हैं तो हम किसी भी प्रकार की सेवकाई को ढंग से नहीं कर सकते। हम ऊपर ऊपर शब्दों में सेवकाई कर सकते हैं पर उसकी गहराई तक कभी नहीं जा सकते। लेकिन इतना जानिए कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में अपने प्रेम को प्रकट किया। उसकी जो सेवकाई शुरू हुई, जो यीशु मसीह के द्वारा शुरू हुई, जिसमें हम अन्य जाति लोग शामिल किए गए, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से है। तो इस प्रेम को हमें सीखना चाहिए। अब हम लोग कह रहे थे जो बाहर वाले हैं उनसे प्रेम। तो जब हम बाहर वाले हैं उनके बीच में सेवकाई करते हैं, जो कलीसिया के नहीं हैं, जो कलीसिया से दूर हैं, जो यीशु मसीह से दूर हैं, जो अपने पापों में जी रहे हैं, हम लोग उनको अंदर लाना चाहते हैं। अंदर आने का सिर्फ एक मार्ग है और वह है यीशु मसीह। एक ही द्वार है और वह है यीशु मसीह। हम लोग उनको यीशु मसीह के विषय में बताते हैं और उनको अंदर लाने की कोशिश करते हैं। हम उनको बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और जैसी अवस्था में तुम हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम वैसी अवस्था में रहो, लेकिन उससे छूट करके तुम अंदर आओ और अंदर आकर के सारी आशीषों के वारिस हो जाओ। बाहर वालों को हम छिटपुट आशीषें दिला सकते हैं। ये इस प्रकार से है कि मानो जो अंदर वाले हैं वे एक बड़े से कैंपस में रहते हैं, कैंपस के अंदर वाले, और वहां पर बहुत सारे फलदायी वृक्ष हैं और अंदर वाले जब चाहे उसमें से खा सकते हैं और बाहर वाले तरस रहे हैं क्योंकि बाहर वो वृक्ष नहीं। तो बाहर वालों को एक आध आम तोड़ करके हम दे सकते हैं कि लो भाई तुम भी खा लो, है ना। इधर से हम जो भी फल खाते हैं हमारे जो कैंपस के अंदर है हम उसमें से जो भी खा सकते हैं और बाहर वालों को भी कभी कभार दे सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे कि तुम लोगों को बाहर ही रहो, हम लोग देते रहेंगे तुम लोगों को, बाहर ही रहते रहेंगे। हम लोग कहेंगे कि तुमको फल ही चाहिए तो तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते, है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि अंदर वालों को खुद ही पता नहीं है कि हमारे कैंपस में ढेर सारे पेड़ हैं फल से भरे हुए जिनको हम खा सकते हैं। तो वे बाहर से अंदर में नहीं बुला सकते हैं, उनको लगता है कि अंदर बाहर दोनों एक समान है। मेरी बात को समझ रहे? बाहर वाले अंदर वाले, है ना। अंदर वालों को भी, जैसे बड़ा बेटा था उसको पता नहीं था कि मेरा क्या है, उसने कहा कि तूने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। तो उसी को बताने के लिए मैंने इतना समय लिया कि अंदर बहुत सारी चीजें, आप उसका लाभ उठाना जानिए और जब आप लाभ उठाना सीख जाएं तो बाहर वालों को थोड़ा थोड़ा हम देंगे, है ना। कभी चंगाई करा देंगे, कभी दुष्टात्मा निकाल लेंगे, फिर जब उनको जरूरत पड़ेगी कि हमेशा स्वस्थ रहें, हाँ बीमारी ना हो, दुष्टात्मा ना सताए, तो हम बोलेंगे बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि तुम बाउंड्री के बाहर हो, तो बाउंड्री के अंदर आ जाओ, इधर प्रोटेक्शन है और आने के लिए एक ही गेट है और वो गेट है यीशु मसीह। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उस स्थिति में नष्ट हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नरक में चले जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उस अभाव में रहे। हम उनको अंदर लाना चाहते हैं। बाहर वालों को हम जो भी करेंगे, तरस से भर करके भी हम करेंगे, तो हमारा मकसद होगा कि हम उनको अंदर ला सके। क्योंकि सेवकाई है उसके दो पक्ष हैं कि एक है शारीरिक बातों की सेवकाई, एक है आत्मिक बातों की सेवकाई। तो हम सिर्फ शारीरिक बातों की सेवकाई नहीं करते हैं कि उनके शरीर को चंगा कर दें, सिर्फ शारीरिक बातों की सेवकाई नहीं करते हैं कि उनको अभाव है तो हम कुछ रुपए दे दें, लेकिन हम आत्मिक बातों की सेवकाई करते हैं। क्योंकि शारीरिक बातें थोड़े समय तक के लिए रहती हैं, शरीर एक खास समय तक के लिए रहता है फिर वो मर जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है सदा बनी रहती है। तो जब भी हम बाहर वालों के साथ डील करते हैं, हो सकता है हम शारीरिक काम भी करें, हो सकता है कि जब हम चर्च से निकलेंगे तो वहां पर भी भीख मांगने के लिए हमारे पास में होंगे, तो हम उनकी शारीरिक जरूरतों के लिए हम उनको दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम लोग उनको देते रहे, तुम हमेशा भीख मांगते रहो, तुमको देते रहे, लेकिन तुम बाहर ही रहना, उधर ही मर जाना,
उधर ही मर जाना, लेकिन तो उसकी आत्मा का क्या होगा? तो मतलब हमने उसकी आत्मा के विषय में नहीं सोचा। परमेश्वर उससे प्रेम करता था तो उसकी आत्मा को भी बचाना चाहता है। तो जब हम बाहर वालों को देखेंगे सेवकाई की नज़र से, तो हम सिर्फ उसके शरीर को नहीं देखेंगे, हम उसकी आत्मा को भी नहीं देखेंगे। और दूसरा, हम सिर्फ उसकी आत्मा को भी नहीं देखेंगे, हम उसके शरीर को भी देखेंगे। और इस प्रकार से सेवकाई कंप्लीट होगी, हम उसको अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बहुत सारे सुसमाचार के जो दृष्टांत हैं या जो घटनाएं हैं वो इसी से संबंधित हैं। हम लोग इसको पढ़ करके देखें। हम लोग देखते हैं तीतुस की पत्री और उसके तीसरे अध्याय, तीतुस की पत्री अध्याय 3। यहां लिखा है पद 2 से, बल्कि हम लोग 1 पद से पढ़ते हैं, पद 1 से लिखता है, लोगों को सुधि दिला। देखिए, तीतुस के विषय में हम लोगों ने देखा था, तीतुस एक व्यक्ति है, इसको प्रेरित पौलुस कुछ कह रहा है कि तुमको किस प्रकार से सेवकाई के काम को करना है। तो तीतुस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दे। क्या शिक्षा दे? लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। तो जब ये निर्देश उनको दे रहा है तो मूल रूप से वो बाहर वालों के विषय में बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। हाकिम और अधिकारी जो उस समय के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके अधीन रहे, ठीक है, और उनकी आज्ञा माने, जैसा वे कानून बनाते हैं उसके अनुसार करें, और हर एक अच्छे काम के लिए भी तैयार रहने के लिए बोलो, और किसी को बदनाम ना करें। जो बाहर वाले हैं उन लोगों को भी, अंदर वालों वाले हैं उनको भी, उनको बदनाम ना करें। जो बाहर वाले हैं जो प्रभु में नहीं आए हैं उनको बदनाम करने की जरूरत नहीं। मान लें कि हम उनको बदनाम करते हैं तो इसका मतलब कि हम उनसे प्रेम नहीं करते, और इसका मतलब है कि हम उनको सुसमाचार सुना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो जान जाएगा कि यही व्यक्ति है जो मुझे बदनाम कर रहा था तो मेरे हाथों से सुसमाचार कभी ग्रहण नहीं करेगा। तो हम उनको बदनाम नहीं करते, अरे वो तो बहुत खराब है, अरे वो तो हम जानते उस नेता को, जानते उस मंत्री को, जानते उसको, हम जानते वो ऐसा बहुत खराब है, हम उसको बदनाम नहीं करते, क्योंकि हम द्वार खुले रखना चाहते ताकि उसको अंदर ला सके। उनको बदनाम ना करें, उनके साथ झगड़ा ना करें, उनके साथ कोमल स्वभाव रखें और सब मनुष्यों के साथ नम्रता से रखें। क्यों? ताकि हम द्वार खुला रखना चाहते। हम किसी के लिए ऐसा नहीं बनना चाहते कि एक दीवार बन जाए हमारे और उसके बीच में कि हम उसको अंदर ना ला सके। क्यों ऐसा कह रहा है? क्यों वो नहीं कह रहा है कि तुम उन पर दोष लगाओ, अरे तुम लोग तो पापी हो, ऐसे में तुम मर जाओगे, नरक जाओगे, ना तुम लोग तो कुकर्मी हो, तुम लोग तो ऐसे हो, क्यों ऐसा करने से मना कर रहे हैं? क्योंकि पद 3 कहता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। क्योंकि एक समय था जब हम भी वैसे ही थे, तो इसीलिए दूसरे लोग जो वैसे ही हैं उन पर थोड़ा तरस खाओ, तुम भी वैसे ही थे। और जब तुम वैसे थे या हम वैसे थे तो परमेश्वर ने आकर के नहीं कहा, अरे तुम लोग पापी दोषी लोग, जाओ नरक मत जाओ, नालायक कहीं के जा, कोई काम नहीं, मैं पवित्र हूं, तुम लोग पापी हो, कोई कनेक्शन नहीं, आउट। उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा कि हम ऐसे ही थे लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ कैसा डील किया। पद 4, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। तो जब हम ऐसी अवस्था में थे तब परमेश्वर ने हमारे साथ डील किया, क्या करके? उसने कृपा की और उसने हमसे प्रेम किया और इसके द्वारा उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, यह हमारे किसी काम की वजह से नहीं था, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। तो जब हम ऐसे थे
उसने हम पर कृपा की, उसने हमसे प्रेम किया और उसने यीशु मसीह को हम पर प्रकट किया और यीशु मसीह के द्वारा उसने हम पर बहुतायत को उंडेल दिया, जिसके वजह से हम बदल गए और अब हम ऐसे लोग हो गए। तो अभी भी जो बाहर वाले हैं उनको बदलना चाहते हैं, उनको अंदर लाना चाहते हैं, तो क्या चाहिए कि उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और उसका प्रेम उन पर प्रकट होने पाए। लेकिन मनुष्य तो परमेश्वर को नहीं देख सकता है। परमेश्वर आ करके नहीं बोलेगा कि बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ आ जाओ। यहाँ तक कि कोई स्वर्ग का दूत भी आकर के नहीं बोलेगा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है तुम आ जाओ। सुसमाचार की जिम्मेदारी हमारी है। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर का प्रेम है बाहर वालों पर किसी माध्यम से प्रकट होगा, तो माध्यम सिर्फ हम हैं। कुर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत दान देता था, बहुत प्रार्थना करता था, उसके विषय में कहा गया भक्त था, परमेश्वर से डरता था, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। एक स्वर्गदूत उसके पास में आया और उससे कहने लगा कि पत्रस को बुलवा ले और पत्रस आएगा, तुम्हें सुसमाचार सुनाएगा, तुम उसकी बात पर विश्वास करो। और तब पत्रस आकर के उसको सुसमाचार सुनाया, तब उन्होंने विश्वास किया और उद्धार पाया। स्वर्गदूत आके बोलता है कि तुम पत्रस को बुलवा के सुसमाचार सुनाओ। स्वर्गदूत जब आया ही था तो सुसमाचार क्यों नहीं सुनाई दिया, क्यों अलग से पत्रस को बुलवाया? वो इसलिए कि सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार स्वर्गदूतों को नहीं, परमेश्वर के प्रेम को लोगों में प्रकट करने का अधिकार स्वर्गदूतों को नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को लोगों के बीच प्रकट करने का अधिकार हम मनुष्यों का है, हम अंदर वालों का है। इसलिए हमें उस प्रेम को अनुभव करना चाहिए और अगर हम प्रेम को अनुभव करते हैं तो हम बोझ को अनुभव करेंगे, क्योंकि पिता के हृदय में एक बोझ है। उमड़ते हुए लोगों को देख करके एक बोझ है कि वे मुझसे दूर नष्ट हुए जाते हैं, काश कि कोई उनको बचा ले, काश कि, और उसने सारा उपाय कर दिया, अब उसको बस इतना चाहिए कि कोई लोग जा करके उनको बताएं कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, कि आ जाओ बच जाओगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब किया हुआ है, बस तुमको आना है, बस तुमको विश्वास करना है, बस तुमको ग्रहण करना है, बस उस प्रेम को वहां तक कोई पहुंचाने वाला हो ताकि वे लोग बच जाए। यही बोझ उस हृदय का है, यही वो लोगों को जब देखता है तो सोचता है। हमें जब संसार के लोगों को देखते हैं, अन्य जातियों को देखते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं? क्या हम लोग सोचते हैं कि वे लोग बहुत कुटिल हैं? क्या हम लोग सोचते हैं कि वे लोग बहुत बहुत खराब हैं, बहुत खड़ूस हैं? तरह तरह की बातें हम लोग सोचते हैं। मैंने एक बात परमेश्वर से सीखा कि हम मनुष्यों को इस नज़र से देख सकते हैं कि वो परमेश्वर की तरफ आया है कि नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है कि नहीं, और यदि अनुग्रह नहीं हुआ है तो उस पर तरस खाने की जरूरत, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी, क्योंकि वो व्यक्ति यीशु मसीह के बिना अनंत काल के लिए खो जाएगा। तो उस व्यक्ति पर हम दोष नहीं लगा सकते, उस व्यक्ति को हम बुरा नहीं बोल सकते, हम उस पर से तरस खा सकते हैं। तो बेचारा परमेश्वर के प्रेम से दूर है, अनंत जीवन से दूर है, उद्धार से दूर है, नष्ट होने को है, हम उस पर से तरस खा सकते हैं। और अगर हम तरस खा सकते हैं तो तरस खाने के द्वारा हम कुछ, जो कुछ हमसे बन पड़ता है वही हम कर सकते हैं। तो अगर बाहर वालों के लिए हम काम करना चाहते हैं तो बिना इस प्रेम के नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा सेवकाई का आधार प्रेम है, प्रेम हमें प्रेरित करेगा कि हम करें। लेकिन ऐसी भी नौबत आ सकती है कि हम उनको बताएंगे कि भाई यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा है, तुम उसको ग्रहण कर लो, और कोई व्यक्ति नकार दे, वो भी सकता है। अगर वो नकार देता है तो उसके लिए भी हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम जाकर बताओ उन नगरों में कि मसीह आने वाला है, यहाँ आएगा, और यदि कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, तुमको आउट कर दे, अपने नगरों से निकाल दे, तो अपने पाँव की धूल वहाँ पर झाड़ दो और निकल जाओ, ताकि न्याय के दिन उन पर गवाही हो कि हमने तुमको समाचार दिया था लेकिन तुमने ग्रहण नहीं किया, हमने अपने पक्ष का काम किया है। लेकिन जब हम लेकर जाते हैं सुसमाचार तो हम प्रेम के कारण जाते हैं, लेकिन प्रेम दबाव नहीं डालता। प्रेम सीखने के बाद प्रेम कभी किसी पर दबाव नहीं डालता। यदि आप श्रेष्ठ गीत में एक पद पढ़ें, वहाँ पर जो चरवाहे की प्रेमिका है वो कुछ कहती है, क्योंकि हम लोगों ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को स्टडी किया था, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे कई पात्र हैं, उसमें से एक है चरवाहे की प्रेमिका मंगेतर, जिससे उसकी मंगनी हो चुकी है,
और एक चरवाहा प्रेमी है उसका, और सुलेमान है, और सुलेमान ने उस चरवाहे की मंगेतर को अपने पास मंगा लिया है, मंगेतर उसके ऊपर मंगा ये लिया है, और वो चाहता है कि ये इसके प्रेम से कन्विंस हो जाए और उसको तरह तरह से उसको तारीफ करने की कोशिश करता है, रिझाने की कोशिश करता है। और यहाँ तक कि जो महल की स्त्रियाँ हैं वे लोग भी उसको सुलेमान की तारीफ करते कि देखो सुलेमान कितना अच्छा है, तुम बड़े अच्छे खासी रहोगी, रानी बन के रहोगी, कहाँ तुम चरवाहे के पीछे जा रहे हो। तो वो उसके प्रेम को उकसाने की कोशिश करती है, तो वो स्त्री उनको क्या जवाब देती है, वो उनको ये जवाब देती है, अध्याय 2 और उसके 5-7। यहाँ हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरणियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उकसाओ न जगाओ। और तीसरे अध्याय के 5 में वो कहती है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरणियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उकसाओ और न उसको जगाओ। प्रेम किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। हम प्रेम के कारण आते लोगों के पास सुसमाचार लेकर, लेकिन हम प्रेम उन पर नहीं थोप सकते जब तक कि उनके अंदर से रिस्पॉन्स ना आए। अगर उनके अंदर से रिजेक्शन आता है, उनके अंदर से इनकार आता है, तो हम प्रेम नहीं थोप सकते, हमको वहाँ से चले जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर वो जो चरवाहे की प्रेमिका थी, उसने भी सुलेमान को रिजेक्ट कर दिया और उसने इस प्रकार से कहा, अध्याय 8 और उसके 11-12, जिन दाख की बारियों का प्रलोभन सुलेमान दे रहा था कि तुम अगर मेरी हो जाओगी तो ये दाख की बारियां तुम्हारी हो जाएंगी, तुम इनकी मालकिन रहोगी। तो उसके विषय में जब वो लौट गई तो वो रिपोर्ट देती है और कहती है 8:11-12, बालहमोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी, उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी, हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1,000 टुकड़े देने थे। मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है, हे सुलेमान 1,000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। मतलब तू जो ऑफर मुझे दे रहा था वो तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके वो सुलेमान को रिजेक्ट करके लौट आती है अपने चरवाहे के पास। चरवाहा हमारा कोई और नहीं, यीशु मसीह है। दृष्टांत एग्जैक्टली उल्टा चल रहा है, लेकिन यहाँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि जो स्त्री है उस पर प्रेम थोपा जा रहा है, उस पर प्रलोभन थोपा जा रहा है, उसको दबाव बनाया जा रहा है कि तुम इसको ले लो ले लो, लेकिन वो इनकार कर देती है। जब वो इनकार कर देती है तो उसको जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। सुसमाचार के साथ भी ऐसी, हम प्रेम से आते हैं, प्रेम लेकर आते हैं, हम तरस लेकर आते हैं, हम अनुग्रह लेकर आते हैं, हम आशीष लेकर आते हैं, और हम वहाँ पर खड़े होते हैं, हम उनको ऑफर करते हैं, हम कहते हैं कि ये रहा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम ले लो, फ्री में ले लो, सब कुछ ले लो। लेकिन अगर वे इनकार कर देते हैं, अगर वे नकार देते हैं, तो हम सब कुछ लेकर वापस लौट जाते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि जब तुम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे हो, किसी घर में प्रवेश करो तो प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। अगर वहाँ पर कोई कल्याण की योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण ठहर जाएगा, अगर नहीं होगा तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हमारा काम है, हम प्रेम करते हैं, हम उनके पास प्रेम से जाते हैं और चाहते हैं कि वे बच जाए, बिना इच्छा के हम नहीं जाते। अच्छा जाएंगे देखेंगे, अगर बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम अगर प्रेम करते तो हम भी चाहते हैं, सिर्फ पिता नहीं चाहता, हम भी चाहते कि वे बच जाए, और वे अगर इनकार कर देंगे तो हमारे पास लौटने के सिवा कोई मार्ग नहीं। लेकिन हम उनके पास आशीष की बातें लेकर जाते हैं, और अगर वो उसके योग्य नहीं ठहरते, अगर हमारी बातों को ग्रहण नहीं करते, तो आशीष की बातें हम पर लौट आती हैं, हमारे जीवन के लिए काम आती हैं। तो जो सेवकाई का एक भाग था बाहर वालों के लिए, वो प्रेम पर आधारित है। अब जो अंदर वाले हैं उनके लिए भी प्रेम ही है। अगर हम लोग इफिसियों की पत्री को देखें, इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 5, अंदर वालों के लिए जो सेवकाई है वो ये है कि जो यीशु के पास आ चुके हैं वे तेजस्वी होने की तरफ बढ़ते चले जाएं। हम लोग दूसरा कुरिंथ डिस्प्ले करेंगे एक बार, दूसरा कुरिंथ अध्याय 3:18, दूसरा कुरिंथ 3 और उसके 18, और साथ में हम लोग KJV न्यू किंग जेम्स वर्जन से भी हम लोग डिस्प्ले करें। दूसरा कुरिंथ 3 और उसके 18,
दूसरा कुरिंथ 3:18, उसके बाद हम लोग इफिसियों में आएंगे। दूसरा कुरिंथ, हाँ, हिंदी में ऐसा लिखा है, मैंने इसको पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, हिंदी अनुवाद इंग्लिश के जैसा नहीं है, ग्रीक के जैसा नहीं है, लिखते हैं, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो ऊपर का वृतांत मैं आपको बता चुका हूँ, मैं उसको नहीं डील कर रहा हूँ। आखिरी वाक्य, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम अंश अंश करके तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। तो जो अंदर वाले हैं वे वहीं पर स्थिर रहने के लिए नहीं है, कदमताल करने के लिए नहीं है, वे कहीं बढ़ने के लिए अंश अंश करके तेजस्वी रूप में बदलते चले जाने के लिए। इंग्लिश में लिखता है कि बट वी ऑल विद अनवेल्ड फेस उघाड़े चेहरे से बिहोल्डिंग एज इन अ मिरर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, दर्पण में परमेश्वर की महिमा को देखते हुए, आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी जस्ट एज बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हम सब उघाड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप को दर्पण में देखते हैं और उसको देखते देखते तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं उसके आत्मा के द्वारा। तो जो अंदर वाले हैं उनका काम है दर्पण में जो वचन है वहां पर प्रभु के तेजस्वी रूप को देखें, और उसको देख देख करके खुद भी परिवर्तित हो जाए, उस प्रकाशन को देखें जो यीशु मसीह के आने के द्वारा हमको दिया गया, कि हमको उसके आने से क्या मिला। हम धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र किए गए, हम सिद्ध किए गए, सब प्रकार की आज और बहुत सारी बातें, हम उन बातों को देखें और इतना देखें कि उसको देख करके हम तेजस्वी रूप में बदलते चले जाए, और इसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। तो जो अंदर वाले हैं उनके बीच में जब हम सेवकाई करते हैं तो हम यही करते हैं, हम उनको दर्पण दिखाते हैं, और दर्पण में हम उनको दाग धब्बे नहीं दिखाते, दर्पण में हम उनको परमेश्वर के तेज को दिखाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं। जो BSI का अनुवाद है वो ठीक ऐसा नहीं है, अगर आपके पास IBP बाइबल है तो आप उस अनुवाद को पढ़ेंगे, वो अनुवाद ठीक इंग्लिश के जैसा। दर्पण में हम प्रभु की महिमा को देखते हैं, प्रभु के तेज को देखते हैं, और प्रभु के तेज को देखते हैं तो प्रभु का आत्मा हमें बदलता है। और जो सेवा करने वाले हैं उनका काम ये है कि जो नहीं देख पा रहे हैं उनको वचन से प्रभु के तेज को दिखाएं, प्रभु की महिमा को दिखाएं, परमेश्वर के जो अनुग्रह हमारे ऊपर में हुआ, जो कृपा हमारे ऊपर आई है उसको दिखाएं, और जब वे उसको देखने लगेंगे वे बदलने लगेंगे। तो अंदर वालों को तेजस्वी रूप में बदलना है, ये हमारी सेवकाई। अब हम लोग इफिसियों में आते हैं, इफिसी अध्याय 5, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखता है पद 25 से, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। दरअसल जब ये 22 पद से लेकर 32 पद तक हम पढ़ते हैं तो पति और पत्नी को निर्देश दिया जा रहा था कि उनको आपस में कैसे रहना चाहिए। पति को कहा गया कि तुम ऐसे करो, पत्नी को कहा गया कि तुम ऐसे करो, और दोनों को दृष्टांत दिया गया कि जो पति है वो मसीह से सीखे और कलीसिया से सीखे, और जो पत्नी है वो कलीसिया से सीखे मसीह से सीखे। मसीह से सीखना है, मसीह कलीसिया के साथ में पति की तरह बर्ताव कर रहा है कलीसिया को तेजस्वी बनाने के लिए, और जो कलीसिया है वो मसीह की अधीनता में चल रही है, मसीह उसको बढ़ाता जाता है, तो पति पत्नी दोनों आपस में सीखे। लेकिन ये जो बात है ये प्रेम से बंधा हुआ है, यीशु मसीह और कलीसिया दोनों प्रेम से बंधे हैं, और यीशु मसीह कलीसिया को तेजस्वी बना रहा है उस प्रेम के द्वारा, और उसके लिए अपने वचन को इस्तेमाल कर रहा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और जो वचन शब्द है मैं आपको बता दूं, वहां पर यूनानी शब्द लोगोस नहीं है, वहां पर यूनानी शब्द है रेमा, रेमा के द्वारा उसको तेजस्वी बनाएगा। लेकिन उसका आधार है प्रेम, क्यों मसीह उसको तेजस्वी बनाएगा, क्यों मसीह उसको ऐसा बनाना चाहता है कि वो उसमें ना कलंक ना झुर्री और कोई ऐसी वस्तु हो, क्योंकि वो उसे प्रेम करता है। और इसलिए पति को कहा जा रहा है कि तुम भी अपनी पत्नी से प्रेम करो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, और जो भी उसको कह रहा है वो ऐसी बातें कह रहा है जो उसको तेजस्वी बना रहा है। तो पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी से ऐसी बातें कहें
जो उसको तेजस्वी बनाए। ये नहीं कि बोले तुम खाना चाय बनाती हो, नमक ज्यादा डाल दिया, नमक कम डाल दिया, वो बातें उसको तेजस्वी नहीं बनाएंगे। पत्नी उड़ जाएगी अंदर से मन, कभी पति तारीफ नहीं करता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते कि यीशु मसीह ने प्रेम किया और उसको रेमा अर्थात जो तुरंत कहता हुआ वचन है अभी वो उसे क्या कह रहा है, तो रेमा के द्वारा उसको तेजस्वी बनाया, उसको बोल बोल कर तेजस्वी बनाया। तो जो उसके सेवक हैं आते हैं और जब वे बोलते हैं तो रेमा आता है, लोगों से तो लिखा हुआ है ही यहाँ पर, लेकिन जब वे बोलते हैं तो ऐसा बोलना चाहिए कि उनका बोलना उनको तेजस्वी बना दे, क्योंकि जो वचन देखिए लोगोस है जो संपूर्ण ज्ञान है जो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है, और रेमा वो है जो तत्काल अभी अभी तुरंत बोला जा रहा है, अभी के संदर्भ में या अभी के विषय पर बोला जा रहा है, अभी जो निकल रहा है वो है रेमा। तो जो वचन प्रचार किया जाता है उसकी जिम्मेदारी है कि अभी जो बोल रहा है वो इस दिशा में हो कि वो उसको तेजस्वी बनाए। लेकिन इसका आधार है प्रेम, कि मसीह प्रेम करता है इसलिए। तो जो अंदर वाले हैं उनका फर्ज बनता है कि जो अंदर की सेवकाई है उसको प्रेम के द्वारा पूरी करें। हमें प्रेम को सीखना पड़ेगा। हमने प्रेम के विषय में पहले भी देखा था, पहला कुरिन्थ अध्याय 13 में प्रेम के विषय में वर्णन है, आप लोग उसको पढ़ते होंगे। लेकिन मैं कुछ जो अपने अनुभव से पाता हूँ परमेश्वर के वचन में है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो प्रेम है वो क्षमा करता है, और प्रेम है वो कीमत चुकाता है। प्रेम है वो क्षमा करता है, प्रेम है वो कीमत चुकाता है। जैसे कि अगर हम लोग इस बात को देखें परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ कैसा डील किया तो हम लोग प्रेम को समझ सकते हैं। जब परमेश्वर ने उनके साथ डील किया तो उनके स्थिति के मुताबिक डील नहीं किया कि तुम पापी हो तो तुमको क्या मिलना चाहिए, उसके मुताबिक उसने उनके साथ डील नहीं किया। लेकिन उसने देखा कि वे पापी हैं और उनको बचाने के लिए क्या करना होगा, वे क्या कर सकते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते, तो जो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो उनको बचाने के लिए किसी को मरना पड़ेगा, एक कीमत चुकानी पड़ेगी, मौत की कीमत। वे नहीं चुका सकते हैं लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए मैं खुद चुका देता हूं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अभी सामान्य रूप से हम प्रेम की बातें करें, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम कीमत चुका देता है। देखिए जब हम क्षमा की बात करते हैं तो क्षमा प्रेम से छोटा है, प्रेम उससे बड़ा है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लें कि मान लिया कि एक व्यक्ति है जिससे कि जिसने आपका कुछ आपसे कुछ कर्ज लिया, आपसे 2000 रुपये ले लिया और उसने कभी आपको वापस नहीं किया। वो शुरू में तो बोला कि हम दे देंगे लेकिन अब वो आपका फोन नहीं उठाता है, अब वो आपको देखता है तो दूसरे रास्ते निकल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको तो कहा गया कि क्षमा करो तो आप उसको क्षमा कर देंगे। तो क्षमा करने का क्या अर्थ हुआ कि जो उसने आपका नुकसान किया है उस नुकसान को आप सह लेंगे, आप उसके लिए उस पर दोष नहीं लगाएंगे, उसको दंड की बात नहीं कहेंगे, यह क्षमा। लेकिन उसी जगह जो हर्जाना हुआ, जिस व्यक्ति का हर्जाना हुआ, उस हर्जाने को कोई और आकर भर देता है तो वो हुआ प्रेम। जो नुकसान किया गया हम उसको इग्नोर करके पार नहीं कर जाए, नहीं गए कि चलो नुकसान हुआ मान लेते, चलो कोई बात नहीं नुकसान को सह लो और उसको इग्नोर करो, तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव करेंगे, नहीं। लेकिन जो नुकसान हुआ, जो हर्जाना हुआ, उस हर्जाना को भी भर दिया जाए, इससे प्रेम के द्वारा आता है। तो परमेश्वर ने वही किया, उसने देखा कि ये लोग किस बात के लायक है, ये लोग दंड के लायक है, तो इनको क्षमा किया जाए। तो क्षमा करने बोलने से सिर्फ इतना नहीं है कि क्षमा करने पापों की क्षमा, तो उसके लिए जो हर्जाना था वो हर्जाना भी चुका दिया और इतना चुकाया कि उनको धर्मी भी ठहरा दिया, पापी से उसको धर्मी गिन रहा है। ये है प्रेम, उसने मतलब मोर देन सफिशियंट दे दिया, जितना जरूरत थी उससे बढ़कर दे दिया उसके। कि तुम मेरे कर्जदार थे, तुम वापस नहीं कर रहे थे, मैं कानून की छड़ी चलाता तो तुम सीधे नरक के आग में पहुंच जाते और तड़पते रहते, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तुम पर न्याय करना पसंद नहीं किया कि तुमको नरक में भेज दूं, बल्कि क्या किया,
मैंने अपने अकाउंट से रुपये तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यह है प्रेम। क्या तुम माला माल भी हो गए? तो प्रेम न सिर्फ क्षमा करता है, प्रेम हर जाना भी चुकाता है। जब हम इस प्रेम को समझते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रेम कीमत अदा करता है। जब हम सेवाएं करते हैं, हम लोग डिटेल में आने वाले समय में जाएंगे, आज सिर्फ परिचय है, तो हम लोग कीमत चुकाते हैं। कोई भी सेवाएं करते हैं, सेवाएं कोई बिजनेस नहीं है, सेवाएं कोई व्यवसाय नहीं, कोई रोजगार नहीं है, सेवाएं एक बोझ है जिसमें हम खुद कीमत चुकाते हैं। हम अपने आराम को त्याग देते हैं, हम खुद रुपए पैसे भी खर्च करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, हम उससे डिमांड नहीं करते। अगर हम सही में सेवाएं करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो हम उससे डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद उसको तरस की नज़र से देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके पास अभाव है, और हम देखते हैं कि हमारे पास है परमेश्वर के कारण। हम तुमसे कैसे डिमांड कर सकते हैं, बल्कि हम तुमको देंगे। हम उसके लिए कीमत भी अदा करते हैं, हम उसके लिए उपाय करते हैं, उसके लिए उपलब्ध करते हैं, हम आगे बढ़कर करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि वो तो हमारे लिए ऐसा नहीं करता, वहाँ नहीं जाए, वहाँ गए थे पिछली बार ठीक से स्वागत भी नहीं किया, इसलिए वहाँ पर नहीं जाए। मैं जब सेवाएं करने के लिए गाँवों में गया हूँ, कई बार ऐसी नौबत भी आई कि जिस गांव में हम लोग सुसमाचार की सभाओं को हम लोगों ने रखा, तो पहले तो बातें रखी गई कि हम लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर जब वहाँ पर हम लोग गए, तो क्योंकि हम लोग सोच रहे थे तीन दिन की सभा रखते हैं, दो दिन की सभा रखते हैं, तो जब पहला दिन हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हम लोग खुद पहुँच करके हम लोगों ने वहाँ पर गड्ढा खोदा, हम लोगों ने खम्भे गाड़े, हम लोगों ने कनात लगाए, हम लोगों ने सारा इंतजाम किया, और लोग आकर वहाँ पर देखते रहे लोग क्या कर रहे हैं, और उन लोगों ने हमारा स्वागत नहीं किया। और फिर जा कर के सभा शुरू हुई, और हमने कहा कि आ जाइए आ जाइए, तब लोग आकर मैदान में चुपचाप बैठ गए, और फिर हम लोगों ने मीटिंग आरंभ किया। कोई वेलकम नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, हम लोग वहाँ पर गए, सारा चीज़ किए। कई ऐसी जगहों में भी गए जहाँ पर हम लोगों को उन लोगों ने खाना तक नहीं दिया, तो हम लोग खुद अपना खाना इंतजाम कर लिए। क्यों? क्योंकि हम उनको बचाने के लिए गए, उनको छुड़ाने के लिए गए, हम उनसे कैसे डिमांड कर सकते हैं? अगर वे दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे नहीं दे रहे हैं तो हम उनसे डिमांड नहीं कर सकते। हम खुद देने के लिए गए, हम उसके लिए कीमत अदा करते हैं। ये सिर्फ प्रेम के कारण कर सकते हैं, और नहीं तो ये बोझ मालूम पड़ेगा। भाई मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने शौक हैं, उनके लिए खुद पैसा कम पड़ रहा, हम उसके लिए क्यों दें, है ना? मेरे सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद सोचेंगे कि उधर देना है कि नहीं देना है, नहीं, या फिर देकर के हमने छुट्टी मना ली। हम लोग उतना नहीं करते, हम उनके लिए बोझ रखते हैं, और जब बोझ रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम करवाता है। जैसे प्रेम ने परमेश्वर को करवाया, उसको करवाया कि अपने बेटे को भेज दो ताकि वो मर जाए, कीमत अदा करे, प्रेम करवाता है। तो अगर आप सचमुच सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बात के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, और वो है कि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए, उसके प्रेम को अनुभव करें, उसके बोझ को शेयर कर सकें, बड़ा भाई बन जाए। उस बड़ा पुत्र के बड़े भाई की तरह नहीं, जिसको पिता के उसके बोझ से कोई लेना देना नहीं, पिता के हृदय से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यीशु मसीह की तरह जिसको पिता के हृदय से लेना देना है कि पिता जो चाहता है वो मैं करूँ, पिता चाहता है कि मैं जाकर कीमत अदा करूँ तो मैं करूँ, हम उस बोझ को अपने अंदर ले सकें। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं, मैं आने वाले समय में आपको बुलाहट के विषय में बताऊँगा, क्योंकि आपको मैं जब बता दे रहा हूँ तो ये नहीं कि आप दौड़ करके कुछ भी करने के लिए चले गए, आप वही करेंगे जिसके लिए परमेश्वर आपको बुलाता है, बाद में डील करेंगे। लेकिन इतना जानिए, ये जो बुलाहट है उसका बोझ के साथ कुछ संबंध है, आप उसका बोझ अनुभव करेंगे। आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे आप इस्तेमाल करें अपने काम के लिए, आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपने बोझ को अनुभव करने दीजिए, और जब आपके अंदर वो बोझ आएगा, आप उनके लिए सोच सकेंगे जो आपके हैं भी नहीं, जो आपके रिश्तेदार तक नहीं है, जो जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं, आप उनके लिए सोच पाएंगे, आप उनके लिए आंसू बहा पाएंगे, आप उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे, आप उनके लिए परिश्रम कर पाएंगे, आप उनके लिए खर्च कर पाएंगे। लेकिन वो बोझ आपके अंदर में नहीं होगा तो सेवकाई एक नौकरी की तरह हो जाएगी,
एक कंपनी की तरह हो जाएगी जिसका कोई महत्व नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सच्चे रोज रखने वाले हों, आप उसके लिए प्रार्थना करें। एक समय था जब मैंने खूब प्रार्थना की, प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें। अब प्रभु ने मेरे अंदर में उस बोझ को डाला कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैंने उस बोझ की तरफ देखा तो मैंने पाया कि जब वो काम अधूरा पड़ा है तो मुझे बेचैनी महसूस होती है कि उसको करने वाला कोई नहीं। तो उसको करने के लिए जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो वो काम तो हो रहा है किसी प्रकार से, क्योंकि उस बोझ को मैंने अपने हृदय में पाया। हम नौकरी करने के लिए सेवकाई नहीं करते, हम पैसे कमाने के लिए सेवकाई नहीं करते, हम पिता के बोझ को शेयर करते हैं अपने हृदय में और पिता की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, इसलिए सेवकाई करते हैं। हालेलुया। तो हमें बड़े हो जाना चाहिए कि हम सिर्फ अब तक अपने लिए सोचें, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे लिए, परमेश्वर मुझे, मैं मुझे, मेरा, सिर्फ यहाँ तक बातें नहीं, अब कोई और, किसी और के लिए हम किसी और तक सोच सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करें इस बात के लिए। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति बन जाएं जिसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने हमें इतने दिनों तक अपने वचन में से सिखा दिया और हमें सिखाया है कि तू हमसे प्रेम करता है। और लेकिन तूने हमें ये भी बताया कि जितना तू हमसे प्रेम करता है उतना ही तू दूसरों से भी प्रेम करता है, और तू हमसे अपेक्षा करता है कि हम उस जिम्मेदारी को लेकर उन तक जाएं और तेरे दर के बोझ को उठाएं और उनको बुला करके लाएं, हम उनको अंदर लेकर के आएं, हम उनको तेजस्वी बनने में मदद करें। पिता, हमारी सहायता कीजिए, इन प्रत्येक लोगों की सहायता कीजिए। पिता, जब ये तेरे निकट में बैठते हैं, तेरे प्रेम को अनुभव करने के लिए मदद कीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं पिता, लेकिन तेरा प्रेम तो संसार के सब लोगों के लिए है, उस प्रेम को वे उस रीति से महसूस करने पाए, तेरी नज़र से देख पाए लोगों को, और पिता वे बड़े होने पाए, उस बोझ को जो तेरे अंदर में है पिता तो उनके हृदय में डाल दे, ताकि लोगों के लिए उस बोझ को अनुभव करने पाए, क्योंकि जब तक उनके अंदर बोझ नहीं होगा वे सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब उनके अंदर वो बोझ होगा आपका आत्मा उनकी सहायता करेगा कि वे सेवकाई के काम को भी कर पाए। पिता, ताकि आगे चलकर तेरे अच्छे सेवक ठहरे तेरी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।